गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम अपनी रीडर करेंगे अपनी वसंत। ठीक है, इसमें क्या है, हमने पढ़ लिया था ध्वनि, जो हमारा चैप्टर था ये हमने पढ़ा था। इसके बाद फिर कविता से जो पढ़ाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट किए थे, उसमें दो कंप्लीट हो गए थे, तीसरा रह गया था। तीसरा क्या था, कभी पुष्पों की तंत्रता और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, ये था ना, ये भी मैंने आपको करा दिया था। आज इसके आगे पढ़ेंगे, ये है हमारा अनुमान। कविता से आगे क्या है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको चर्चा करनी है आपस में कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। बसंत सभी ऋतुओं का राजा है, बसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है, इस ऋतु का मौसम सुहावना हो जाता है, इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है, यह ऋतु मुर्दों में भी जान डाल देती है, यह ऋतु सभी को अच्छी लगती है, इसीलिए बसंत को ऋतुराज कहा गया है। अब ये वाला भी मैंने आपको करा दिया था। अब देखिए सेकंड वाला क्या है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो इसमें क्या है आपका, तो मैं आपको ये करवा देती हूँ, ठीक है, बाकी क्यों निबंध आपको अपने से लिखना होगा, चाहे आप जिस पे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारा क्या है क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। जानकारी मैं आपको एकत्र करके देती हूँ और निबंध त्योहार पे आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार क्या है, ये बसंत ऋतु में आने वाले ठीक है, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट बसंत पंचमी, बसंत पंचमी पर सर्दी घटने लगती है, लोग पीले वस्त्र पहनते हैं तथा पीली वस्तुएं सेवन करते हैं, बागों में बाहर चरम सीमा पर होती है, ये हमारी बसंत पंचमी। इसके बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, बसंत पंचमी पर सर्दी घटने लगती है, लोग पीले वस्त्र
रहते हैं तथा वस्तुएं सेवन बापू व्यवहार चरण सीमा होती है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या है, महा शिव रात्रि, क्या है महाशिव रात्रि, महाशिव रात्रि में क्या है, महाशिवरात्रि जो है ये हमारे पुण्य का त्योहार होता है, शंकर भगवान का त्योहार होता है। तो भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है, ये तथा मेले मेलों आदि का आयोजन होता है। क्या होता है इसमें, भगवान शंकर पूजा अर्चना की जाती है, यज्ञ तथा मेलों आदि का आयोजन होता है। ठीक है, ये बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार है, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, ठीक है, और तीसरा है होली। क्या ये होली, होली के बारे में आपको पूरा संक्षेप में लिखना है, किसको लिखना है, आपको ही लिखना है। इसमें बोला गया है कि बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए, किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि भाई ये सब तीन त्योहार होते हैं, ठीक है, तो इनमें दो में तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, तीसरा है होली। तो होली के बारे में आप सभी जानते हैं अच्छे से, तो इसमें क्या है, होली के बारे में आप एक निबंध लिख लीजिए, यही इसी के नीचे भाई, कम से कम ज्यादा नहीं तो 15-20 लाइन का तो होना ही चाहिए। जो जो चीज आप होली में करते हो वो सब बता दीजिएगा, तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है हमारा, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इससे। फिर इसके बारे में, इसके बाद क्या आएगा, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की आप किन किन बातों से, कथन की पुष्टि किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए, इसकी भी आपको पुष्टि करनी है, तो ये वाला हम आपको कल कराएंगे। ठीक है,
जो पुष्टि करेंगे इसकी कल करेंगे। आज आप इसका निबंध लिख के कंप्लीट कीजिएगा होली पे, और ये त्योहार के बारे में आपको बता दिया है तो आपको ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं। ये आपका नोट जो आपको मैंने पहले क्वेश्चन करवा रखे हैं उसके ही नीचे आपको ये भी कर लेना है, और जो होली मैंने लिखा है खाली होली लिख के जो छोड़ दिया है इसका आपको पूरा विवरण लिखना है होली। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। तो फूटे हैं आमों के बौर, भरे बनवट टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं। तो इसमें आपको बताना है तो इसका भी मैं आपको कल बताऊंगी। ओके, और ये वाला भी आपको कल बताएंगे, ये आपको करा दिया है, ये वाला आपको जो है अपने से करना है जो मैंने आपको ऊपर डाल दिया है नोटबुक, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके चलिए, टेक केयर, ओके जी, बाय बाय।